सर हेवी फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. What does the graph say? Stocks are going up. What stocks are going down? Good morning friends, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. टुडे 12 जुलाई 2019 फ्राइडे है, सुबह के 8:22 हो रहे हैं. कल हमने देखा निफ्टी इंडेक्स में एक बाउंस बैक मूव दिखाई दिया. क्या ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा या फिर ये शॉर्ट टर्म रिकवरी फेज है, देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. कल 100 ऐसे में फिर से एक बार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है जैसे इसने पास्ट में किया था. क्या इस लेवल को ये ब्रेक कर सकता है या फिर यहाँ से बुलिश पैटर्न बन के फिर से बाउंस बैक दिखाएगा और ऊपर की तरफ, ये देखते हैं. लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करेंगे और आज जैसे कि फ्राइडे है तो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे आने वाले वीक में, कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं इसको आइडेंटिफाई करेंगे. और उससे पहले एक नोट है, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने सब्सक्राइब करते वक्त अगर बेल का बटन जो है, बेल का सिंबल, वो भी प्रेस करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो आप इसे तुरंत इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के ऊपर आपको मिल जाएगा. सो आप मार्केट आर्स के पहले इस वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है. तो चलते हैं, ये एक पिक्चर है कल का, यानी 11 जुलाई 2019 आफ्टर मार्केट आर्स ये पिक्चर लिया हुआ है. कल का आपने अगर हमारा वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. तो इस वर्टिकल लाइन का, ये जो डॉटेड वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है, इसके राइट साइड का डेटा कल का कैंडलस्टिक का डेटा हमें प्रेजेंट कर रहा है. तो ये 10 मिनट का चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का. तो कल का हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,532 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 11,451. तो हमारे ब्रेकआउट लेवल के ऊपर निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और एग्जैक्ट कल ओपन और हाई सेम था, ऑलमोस्ट सेम था. तो यहाँ से ये फर्स्ट टारगेट के यहाँ पर ओपन हुआ और टुवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ. तो शुरू में तो कोई ट्रेड नहीं बनता क्योंकि फर्स्ट टारगेट के पास ही डायरेक्ट ओपन हो गया. और जैसे ही इसने फिर से बाउंस बैक दिखाया तभी हमारा ब्रेकआउट लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ और एग्जैक्ट इसने हमारा जो फर्स्ट ये टारगेट का लेवल था 11,556, यहाँ पर एग्जैक्ट इसने रेजिस्टेंस फेस किया. काफी टाइम यहाँ पर ये पेनेट्रेट कर रहा था इस लेवल को और जैसे ये लेवल भी ब्रेक हुआ तो यहाँ पर ऊपर इसने सेकेंड टारगेट भी हमारा 11,579 ये भी अचीव किया और ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास ही ये क्लोज हुआ. तो काफ़ी एक्यूरेट साबित हुए कल के लेवल्स भी. तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 45 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 33,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. क्विकली ग्लोबल मार्केट के हालात भी देख लेते हैं. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स 227 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ. हालांकि नास्डैक में हल्की सी कमजोरी दिखाई दी और यूरोपियन बाजार देखे तो लगातार दूसरे दिन लाल निशान में बंद हुए. और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्केई हल्की सी कमजोरी यहाँ पर दिखा रहा है और चाइना मार्केट में भी हल्की सी बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है और हांगकॉन्ग मार्केट 27 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. ओवरऑल एशियाई मार्केट से अभी फिलहाल मिले जुले संकेत आ रहे हैं. डाउ फ्यूचर देखे तो 76 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है और एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट 10 पॉइंट की एक हल्की सी गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत आ रहे हैं. चलते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं सबसे पहले, फिर निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे. ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है, ठीक है. ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट. अगर आपने हमारा पास्ट फ्राइडे का बैंक निफ्टी का वीडियो देखा होगा तो हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था क्योंकि आने वाले लेवल्स को हम प्रोजेक्ट कर सके. तो यहाँ पर इसने ये 38.2% का लेवल जो था ये अचीव किया और इसके बाद यहाँ से ये टर्न हुआ है और टुवर्ड साउथ की तरफ मूव कर रहा है. अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो यहाँ पर क्लियरली ये बियरिश डाइवर्जन हमें दिखाई दे रहा है RSI का. कैसे? तो ऊपर प्राइस एक्शन में यहाँ पर तो हायर हाइज बन रहे और ये जो RSI है ये यहाँ पर लोअर हाइज बना रहा है. तो जब भी ऐसा बियरिश डाइवर्जन आता है तो RSI हमें पहले इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एक करेक्शन आ सकता है. आएगा ही, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक इंडिकेशन देता है कि ऊपर प्राइस एक्शन में भी एक करेक्शन आ सकता है.
सो हमें अभी यहाँ पर एक बजट के बाद एक करेक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, ये ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये 20, 50, 100 ये जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है इसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और हम लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में इसे देख रहे हैं, तो स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश बना हुआ है। अभी यहाँ पर ये जो स्विंग हाई बनाया था, ये बैंक निफ्टी ने स्विंग हाई बनाया था, उसका ये जो टॉप पॉइंट है यहाँ पर ही ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। जो पास्ट में रेजिस्टेंस का काम करता है वो आगे फ्यूचर में सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इस स्विंग हाई को अगर ये ब्रेक करता है, यानी 30,300 के नीचे अगर ये चला जाता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट होगा 29,978, जहाँ पर ये 20 EMA आ रहा है, ऑलमोस्ट 30,000 के पास। तो जब तक ये 20,000 को 20 EMA को ब्रेक नहीं करता, तब तक हमारा यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर बना रहेगा। और जैसे ही अभी यहाँ पर ये डबल टॉप फॉर्मेशन हो सकता है, ये इसे मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ, तो यहाँ पर ये डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन दिख रहा है और ये नेक लाइन हो सकती है, इस डबल टॉप फॉर्मेशन का ये नेक लाइन हो सकता है, और नेक लाइन के नीचे एक तुरंत यहाँ पर ये 30,000 का सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है और ये पैटर्न यहाँ पर जो क्रिएट हुआ है ये यहाँ पर फेल हो सकता है, क्योंकि एक जबरदस्त सपोर्ट आ रहा है 20 EMA का। अगर 20 EMA अगर फेल ब्रेक होता है तो ये पैटर्न यहाँ से और नीचे बैंक निफ्टी हमें मूव होता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल स्ट्रक्चर अभी यहाँ पर बुलिश है, इसे फिर से अप ट्रेंड में आने के लिए ये प्रीवियस जो हाई स्विंग हाई यहाँ पर बना है, यानी अराउंड 31,400 के पास, 400-500 के पास इसे ब्रेक करना होगा, तभी यहाँ से हम और भी नॉर्थ साइड अप साइड मूव देख सकते हैं। तो यह वीकली चार्ट का सिनेरियो, चलते हैं डेली चार्ट में। यह है डेली चार्ट बैंक निफ्टी का, आप देख सकते हैं डेली चार्ट में फिर से यहाँ पर जैसे पास्ट में इसने 50 EMA का सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाया था, फिर से एक बार उसी तरह यहाँ पर 50 EMA का ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। तो अभी फिलहाल ये कंसोलिडेशन फेज में देखिए कैसे 3 दिन हो गए एक डोजी टाइप के कैंडलस्टिक यहाँ पर बना रहा है, स्ट्रॉन्ग बियरिश या फिर बुलिश कैंडलस्टिक अभी भी नहीं बन रहा है। तो 3 दिन इसने कंटिन्यूस डोजी जैसा पैटर्न दिखाया, यानी इंडिसिजिव पैटर्न है, बुल्स और बियर्स में कंफ्यूजन है, फाइट हो रहा है। तो ऊपर में ये जो 20 EMA का पिंक लाइन है ये अराउंड 30,900 के पास है, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, और नीचे ये 50 EMA का जो ब्लू लाइन है ये अभी फिलहाल अराउंड 30,550 के पास है, तो ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं। इन दो लेवल्स के ऊपर या नीचे अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स चला जाता है तो हमें आने वाले ट्रेंड का कंफर्मेशन यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पर अगर सपोर्ट लेके अगर ऊपर की तरफ अगर बढ़ता है तो यहाँ पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बन जाएगा ऐसे, और अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो यहाँ से जबरदस्त अपसाइड मूव हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकता है। तो अभी फिलहाल ये स्ट्रक्चर है निफ्टी का वीकली और डेली चार्ट में, ऊपर 30,900 का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर ये जो 50 EMA है अराउंड 30,550 ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस, चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह है वीकली चार्ट, अगर आपने हमारा पास्ट वीडियो देखा होगा 2-3 वीडियो पहले, तो यहाँ पर अगर लाइन चार्ट में इसे कन्वर्ट कर दूं तो इस बॉटम को पकड़ के हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन है आज इस वीक का। तो अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पर क्लोज होता है तो यहाँ से ये अपसाइड जो मूव ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये अभी भी यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है कि और भी ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़े। हालांकि अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और उसके बाद 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो हमें निफ्टी में और भी डाउनसाइड मूव, यानी ये जो पिंक ब्लू लाइन है 11,200 के पास यहाँ तक निफ्टी मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर इस वीक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये क्लोज होता है तो चांसेस है कि निफ्टी यहाँ से फिर से एक बार अपसाइड मूव पकड़ ले और टूवर्ड नॉर्थ की तरफ यहाँ से बढ़े। तो ये है वीकली चार्ट का सिनेरियो, चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में क्या सुपर अभी इस ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं लास्ट
तीन ट्रेडिंग सेशंस हो गए एग्जैक्ट हाई इस ट्रेंड लाइन को ये एज ए रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसका तीनों दिन ये हाई इसी ट्रेंड लाइन के पास आकर हाई बना है, तो काफी रिस्पेक्ट किया है इस लेवल को। और कैंडलस्टिक का बात करें तो लास्ट तीन दिन से यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन वाला पैटर्न बन रहा है, ऊपर में या फिर नीचे ऐसा टेल छोड़ रहा है, यानी जहां पर ओपन हो रहा है उसी के आसपास आके क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पर भी इंडिसिजिव पैटर्न है, बुल्स और बियर्स में फाइट चल रहा है। तो अगर ये अभी इस 100 ईएमए को अगर ब्रेक करता है और इसके नीचे क्लोज होता है तो हमें और भी डाउनसाइड मूव दिखा सकता है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर क्लोज होता है तो हमें यहाँ से अपसाइड मूव आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल बुल्स और बियर्स में कंफ्यूजन है, डोजी पैटर्न बन रहा है, टेल छोड़ा जा रहा है ऊपर या फिर नीचे, कोई भी स्ट्रॉन्ग बियरिश या बुलिश कैंडलस्टिक ऐसा भरा हुआ कैंडलस्टिक यहाँ पर नहीं फॉर्म हो रहा है। तो थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज है, वेट करना चाहिए। अगर इस लो को ब्रेक करता है यानी 11,450 के नीचे अगर चला जाता है निफ्टी इंडेक्स तो और भी निफ्टी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यह डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। क्विकली आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। यह 60 मिनट का चार्ट है। अगर निफ्टी इंडेक्स अभी 20 एमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है 60 एमए में, अगर ऊपर ये चला जाता है तो कल का हाई के उसके तुरंत बाद R1 का पिवट पॉइंट का लेवल आ रहा है, तो इसे अगर ये ब्रेक करता है यानी 11,614 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,646। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर टुवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो ये जो दोजी जैसा कैंडलस्टिक बना है ये 20 एमए का भी लेवल इसी के क्लोज के पास आ रहा है, तो कंफर्टेबली ये जो लो बना है इस दोजी कैंडलस्टिक का 11,564 इसके नीचे अगर सस्टेन करता है 5 या 10 मिनट के चार्ट में तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,535। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,501। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ठीक है, तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।